Quindi sarebbe proprio non se giravo e per me non è ma male. sono tutti in cucina un po' per dire che ha sempre da dire il se ne va che ha pietra americana o la mai amarillo ये जल्दी है समाज के लिए कुछ करने की ऑडियो देख कर उसमें आज का दिन जो है वैसे वो एक ही मील का वो मतलब नीचे रखा सिर्फ होगा दारू को तो वाला बनाओ मैंने वो वाला फिर वो पिछले अपने 15 सालों के ऑडियो पता है उतार चढ़ाव के बाद जो अपने आप में देखा सुन की के बाद कहानी मेरा जिसमें शायरी के लिए फिल्म अरे ऐसी आई है कुछ कर सकते हो आज हम तब भी देखो कैलकुलेट करो पता बिल्कुल नहीं दे पा रहा कमर्शियली देखा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम हमारी इच्छा हमारी तमन्ना सही है है कि हम लाखों लोगों को बेचेंगे और करोड़ों को बदलेंगे फोटो दे रहा लेकिन दिल की बात मैं आपको बताऊं स्टार्ट कर दिल की बात ये है कि हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं आज हर व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है करीबन करीबन हर व्यक्ति चोरी करने को मजबूर होता है सॉफ्टवेयर की कीमत जो बेसिक सॉफ्टवेयर आपको खरीदने पड़ते हैं जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता वो कंप्यूटर से भी ज्यादा होती है जिसके कारण लोग चाहते ना चाहते हुए सॉफ्टवेयर की चोरी करते हैं हमारा जो असली लक्ष्य है वो है कि उन्हें ये चोरी ना करने पड़े उसके लिए हम एक सॉल्यूशन दें विश्व में करीबन 24 लाख लोग मिलकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जिसका हमने पहला पूरी तरह से स्वदेशी वर्जन बनाया ओपन एनएक्स जो इस समय दुनिया के 30 देशों में 5 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं अब लिनक्स को बिजनेस पे ले जाने के लिए एक कमी थी कि लिनक्स पे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग इन्वेंटरी का सॉफ्टवेयर मस्ट है उसके बिना काम नहीं चलता हमने दुनिया का पहला वो सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम कैलकुलेट है जो आज लॉन्च हो रहा है कैलकुलेट को जब हम लिनक्स के साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है बिजनेस डेस्कटॉप यानी आपके व्यापार के लिए आपके उद्योग के लिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है दूसरे सिस्टम पे मान लीजिए आपके दफ्तर में 5 कंप्यूटर तो आपके बेसिक सॉफ्टवेयर का जो कीमत पड़ता है दूसरे सिस्टम पे वो 2,25,000 के करीब पड़ता है अगर आप चोरी ना करें इस सिस्टम में आपकी टोटल सॉफ्टवेयर की कीमत केवल 10,000 पड़ेगी और आपको वायरस कभी नहीं आएगा आपका डाटा क्रैश नहीं दुनिया भर के वायरस आप ले आइए मेरे सिस्टम पे जिस पे लिनक्स 15 डाल दीजिए अगर वो चल गया तो मेरा सिस्टम आपका ये आप पब्लिकली किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं इतना मजबूत ये सिस्टम है ऑटो प्रोग्राम की जैसे हमारे सभी मेहमान आ जाते हैं हम शुरू करेंगे इस बीच में आपको एक 5-7 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें क्विकली मैं थोड़े से जो फीचर्स हैं आपको दिखा दूंगा इसमें म्यूजिक नहीं है अगले वर्षन में म्यूजिक आ जाएगा बुरा मत मानिएगा वॉइस ओवर भी आ जाएगा देश की भाषाओं में पर आज मेरी जैसी भी आवाज है ये म्यूजिक और इंट्रोडक्शन का काम करेंगे धन्यवाद इसमें आपको गेम्स से लेकर आपके ऑफिस का पूरा सूट जिसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग वर्कशीट प्रेजेंटेशंस, ग्राफिक्स डाटाबेसेस सब इस्तेमाल कर सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत चीज है अगर आप इस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आज तक का जो डाटा है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है वो एज इट इज इस पे चलेगा आपका ऑफिस का डाटा आपकी डॉक फाइल्स एक्सएलएस फाइल्स पीपीटी फाइल्स डॉकेट्स फाइल्स वगैरह वगैरह सब यहाँ चलेंगी भी और यहाँ बनेंगी भी इसलिए जब आप ये चेंज करते हैं तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी हमारे बीच एक ऐसे सज्जन बैठे हैं जिन्होंने करीबन 2,000 कंप्यूटर्स एक कंपनी में चलाए हैं लिनक्स के ऊपर और उनके यहाँ दिक्कत एक ही है कि कोई कंप्लेंट नहीं है लोग हैरान होते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है कंप्यूटर वाले कुछ काम भी करते हैं कि नहीं कंप्लेंट ही नहीं है तो लेकिन परफेक्टली चलता है लिनक्स की यही खास है तो इसमें आपको पूरा ऑफिस सूट मिलता है इंटरनेट के सारे टूल्स मिलते हैं और खूबसूरती की एक और बात है कि ऑफिस सूट का जो पूरा इंटरफेस है वो वैसा ही है जिसकी आपको आज तक आदत है आपका ब्राउजर जो है वही मोज़िला है वही क्रोम है इसलिए आपको कुछ नया सीखना ही नहीं
सेम चीज चलती है। मतलब जैसे एक व्यक्ति कप में चाय पीता था, खूबसूरत से कप में चाय पीता था, वो बंगाल चला गया, थोड़ा रूरल एरिया में चला गया, उन्होंने उसको मिट्टी का स्कोरा दे दिया, ये क्या, जब उन्होंने समझाया उसने किया तो आपस इतना ही फर्क है, पहली बार का फर्क है, उसके बाद स्वाद पूरा आता है, मजे पूरे आते हैं, आपका काम पूरा होता है। हाँ, दो कमियां हमें लेने से, ये मैं आपको पहले बता दू, कहीं आप गए मैं केवल प्लस 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 बताए तो दो कमियां बता दू, लेकिन लिनक्स कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि वो कमियां हम पूरा नहीं करेंगे। आपको इसमें एक कमी मिलेगी, वायरस कभी नहीं आएगा। दूसरी कमी मिलेगी कि जब तक आप अपने सिस्टम को उठा के पटक नहीं लेंगे वो क्रैश नहीं होगा। लिनक्स सिस्टम को क्रैश किया जाता है, कौन करता है, जो लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो उन्हें चैलेंज दिया जाता है कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि इसको क्रैश करो। जब वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर अपने किसी प्रोग्रामिंग टूल से एक परफेक्टली वर्किंग सिस्टम को क्रैश कर देता है तो उसको उसकी डिग्री मिल जाती है, फिर वो उसका सोल्यूशन भी निकाल लेता है। लेकिन जो होम यूजर्स हैं, नॉर्मल ऑफिस यूजर्स हैं, उनके लिए लिनक्स का मतलब है आप अपने दफ्तर में आए, आपने स्विच ऑन किया, पंखा बिजली चल रहे, आपने जाकर से स्विच ऑफ किया, पंखा बिजली बंद। मान लीजिए आपके पास ऐसा होता कि आप दफ्तर में आए, पहले स्विच ऑन करिए, फिर जेब से दो मीटर निकालिए, वोल्टेज नापिए, टेम्परेचर नापिए, सब नापिए, सब ठीक है, नहीं तो सेट कीजिए, आधा घंटा लगेगा तब लाइट ऑन होगी, फोन बिजली में जीता। तो लिनक्स ऐसा ही सिस्टम है। बहरहाल ये पूरा हो गया, मैं आपको इससे ज्यादा बोर नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में हम लोग 5-7 मिनट और इंतजार करेंगे, हमारे कुछ मेहमान आ गए हैं, कुछ मेहमान आ रहे हैं, फिर हम लोग फॉर्मली इस चीज को शुरू करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जाति बार सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद हमारी तरफ से एक हम्बल गिफ्ट है आपके लिए, वो प्लीज लेते जाइएगा। हम लोग पहले इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का लॉन्च मंत्री जी करेंगे तो उसके पहले दूसरों को नहीं देना चाहिए, ये हमें एक मैनर्स की बात कही गई थी। तो उस लिफाफे में आपके लिए पूरा सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस है जिसकी कमर्शियल कीमत 10,000 की है वो आपके लिए गिफ्ट स्वरूप उसमें होगा, तो उसे ध्यान से रखिएगा, वो गुम हो जाएगा तो आपका नुकसान होगा। कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ
का कार्यक्रम मैं इसके बहुत अधिक छात्र हूँ, मैं तो जानता है इसके बारे में छात्र, लेकिन अपेक्षा अपनी इससे इतनी है कि हम जिस क्षेत्र के हैं जिस काम को जानते हैं किसान क्षेत्र में भी इसका उपयोग बहुत बड़ा है। इस अपेक्षा के साथ इस कार्यक्रम के आयोजक लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि कृषि क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे समझ से कृषि क्षेत्र में इसकी बड़ी उपयोगिता है। मैं इस बात को आपको अवगत कराना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम आज के दिन में जो शुभारम्भ हो रहा है पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का, मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया के और हिस्सों से ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन भौतिक तरीके से जुड़ जाएगा जो नया सोच हुआ है, नई कल्पना जो पैदा हुई है लोगों में, इस माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर यही कह सकता हूँ कि आयोजक भाइयों ने जो कार्यक्रम के लिए आयोजन किया है, भविष्य में ईश्वर उनके कार्य को आगे बढ़ाए। मेरे लिए यह कार्य बहुत ही उपयोगी होगा, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। सेल जानता है ना परचेज जानता है, न
ना कोई अकाउंटिंग रखता। अगर आज किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी जो लागत है उसकी उसको अकाउंटिंग ही नहीं आती, करता ही कितनी मजदूरी लगी है, कितनी उसकी लागत आ रही है, तो आयोजकगण को पहले तो मैं बधाई दे दूं इस बात के लिए कि उनका जो सॉफ्टवेयर है 100% स्वदेशी है। हमारे देश के लिए स्वावलंबन बहुत जरूरी है, उसी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, सरकार में रहें तब भी और बाहर रहें तब भी। देश का गांव का गरीब कैसे खड़ा होगा, किसान कैसे खड़ा होगा, कारीगर कैसे खड़ा होगा, वो गांव की जो यूनिट है वो कैसे खड़ी होगी जिससे देश मजबूत हो। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संचार में जो प्रगति हुई है, इसके विकास के क्षेत्र में किसानों को भी अपलिफ्ट करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उनका हाथ हमारे हाथ से छूटा जाता है। संभवतः 25 तारीख में जो सरकार चैनल बना रही है डीडी किसान, उसकी लॉन्चिंग, और चैनल को बनाने का भी उद्देश्य यही है कि संचार विकास में जो लाभ है वो गांव के लोगों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, गांव में रहने वाले कारीगरों तक पहुंचे, जो लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन किसान हैं, उन तक पहुंचे। तो मैं अपने जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया है उन सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा कि सॉफ्टवेयर में गांव के लिए और किसान के लिए उसको क्या ऐसी अकाउंटिंग, हमने एक फॉर्मेट बनाया था कि किसान की जो लागत है उसको कैसे कैलकुलेट करें। किसान मोर्चा में रास्ते महामंत्री में रहते हुए हमने अपने सभी नीचे तक फॉर्म भेजा था, एक फॉर्मेट बना के कि किसान चाहे तो अपने खेत की लागत निकाल सकता। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में उसको भी कई जगह मिले, आज अभी मौसम कैसा है, किसानों को सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वो मौसम की है, अभी आपके हमारे सामने है। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से तो दिखाएंगे, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में आप जो सॉफ्टवेयर लोगों को देंगे तो किसानों के लिए उसमें कुछ ऐड करके आयोजक गण ज्यादा इसमें बताएंगे, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है। व्यापारियों के लिए तो सेल परचेज अकाउंट बैलेंस शीट ये वो सब दिया होगा, लेकिन किसानों के लिए भी उसमें से कुछ डेवलप करके कि किसान को ये पता रहे कि वो कहाँ खड़ा, कितना उसकी लागत आई है, कितना उसका पैदावार हुई है, साथ साथ उसको मौसम की जानकारी, साथ साथ उसको मंडियों की जानकारी, देश भर की कितनी मंडियां हैं, किस मंडी में किस फसल का कितना दाम है, उसको वो घर बैठे जानकारी ले ले। हम लोग तो चैनल के माध्यम से देंगे, लेकिन अपना स्वदेशी चैनल है और ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर है, तो क्या ऐसा तालमेल हो सकता है कि हम लोग के पास जो जानकारी आती है वो हम आपसे शेयर कर लें और आपके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल गांव के उन किसानों के लिए हो जो उनके जीवन में बदलाव ला सके। हमारा जो भी दृष्टिकोण हो वो जहां व्यापार को बढ़ाने वाला हो, वहां व्यापार के लिए जो जरूरी है किसानी और खेती, जिससे कच्चा माल पैदा होता है, जिससे देश की जीडीपी में इजाफा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें भी कहीं आपका सॉफ्टवेयर योगदान कर पाएगा तो इसकी सार्थकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनका आभार कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया और आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आपका भी बहुत बहुत आभार। विश्वास त्रिपाठी जी और
उपस्थित इस महत्वपूर्ण अवसर पर भाई और बहनों, जैसा कि अभी सुधीर जी बता रहे कि हमें आज के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में आकर के और ये जानकर कि एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक विशेष सॉफ्टवेयर का आज लॉन्च है, स्वाभाविक तौर पर मुझे ही नहीं पूरे देशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। मित्रों, आज जब हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं, जो लोग लिनक्स से परिचित नहीं है या नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर आने में हिचकिचाहट है, किन्हीं कारणों से वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का ही उपयोग करते हैं, मैं कहता हूं कि 99.99% लोग जो उपयोग करते हैं, तो ध्यान में आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट है क्या, कौन है माइक्रोसॉफ्ट। हमें इस बात का जरूर आभास होना चाहिए, इस देश के नागरिक होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, कि यह वो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ध्यान रखना, वो अमीर आदमी अमीर कैसे बनता है, हम जानते हैं कि हम सभी लोग कंप्यूटर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से 99% जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो पायरेटेड वर्जन उसमें लगता है। 1% लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं केवल उन्हीं से लूट करके वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हमें चोरी की आदत डालता है, हम सब लोग डरे सहमे रहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज वायरस का अटैक सहते हैं, हमारा सारा का सारा डाटा क्रैश हो जाएगा, इसका डर हमें लगातार सताता रहता है और हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग करते, लेकिन मैं याद करता हूं स्वदेशी जागरण मंच का, मैं पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूं, लगभग 15 साल पहले सुधीर जी जैसे ही एक लिनक्स के समर्थक जैसे बहुत इस देश में हजारों लाखों की संख्या में लिनक्स के समर्थक बंधु भगनी हैं, जो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम उस चोरी की आदत डालने वाले सॉफ्टवेयर से अलग हट करके किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं जो मुफ्त हो, जिसमें चोरी का खतरा ना हो, जिसमें वायरस का खतरा ना हो, जिसमें हमारे सिस्टम के क्रैश होने का खतरा ना हो। तो मैं साधुवाद देता हूं ऐसे सुधीर भाई को कि उन्होंने न केवल लिनक्स को और आगे बढ़ाने की तरफ एक कदम बढ़ाया है, साथ ही साथ उसके साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी दिया है जो व्यापारियों को, मैन्युफैक्चरर्स को, दूसरे उद्योग धंधों में लगे लोगों को या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को ऐसा सब सुविधा प्रदान करे इतने आसान तरीके से, जैसा कि उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया, जैसा कि उन्होंने बताया। मित्रों, जब हम
तुम माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। जिसका ओपन सोर्स नहीं होता उसका कोड कहीं और होता है, जिसका कोड कहीं और होता है उस डेटा की सुरक्षा आपके हाथ में नहीं होती। इन सब बातों को देखते हुए दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट को सरकारी कामकाज में बैन किया जा रहा है और मैं अभिवादन करता हूं उस सरकार का जिन्होंने भारत में भी सरकारी कामकाज में लिनक्स को अनिवार्य घोषित किया है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो सिस्टम हमें चोरी की आदत डालता हो, हमें चोर बताता हो, जिसके बारे में दुनिया भर में यह प्रसिद्ध है कि वो कंपनी हमारे डेटा को, सरकारी डेटा हो, स्ट्रेटेजिक डेटा हो, कोई भी प्रकार का डेटा हो, सभी प्रकार के जानकारियों को अपने देश में पहुंचाने का काम करती है और हमारी सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ ये कंपनी कर रही है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए लिनक्स का उपयोग केवल इसलिए नहीं कि वो मुफ्त है, केवल इसलिए नहीं कि वो सुविधाजनक है, इसलिए भी कि आज हमें अपने देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को हमें अक्षुण्य रखना है। इस दृष्टि से आज इस लिनक्स का उपयोग को बढ़ाने की जरूरत है। मित्रों, जो चीज हम लोग खरीदते हैं, मेरे पास एक लैपटॉप है जिस पर कंपनी ने हमें पैसे लेकर के वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का दिया हुआ है, लेकिन अगर उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम खरीद भी लेते हैं तो उसके लिए इसकी गारंटी नहीं है कि वो वायरस नहीं आएगा, उस पर कोई गारंटी नहीं है कि उस पर कोई डाटा क्रैश नहीं होगा, सिस्टम क्रैश नहीं होगा, उसमें भी क्रैश होने की संभावनाएं मौजूद रहती हैं। यानी ये कंपनियां अपने सिस्टम्स बेचती हैं, बीमारियां बेचती हैं और उसके बाद उसके एंटीवायरसेस बेचती हैं। ये सब काम अगर इसको रोकना है तो उसका एक ही इलाज है। मैं तो स्वदेशी जागरण मंच से आता हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि स्वदेशी नाम है स्वावलंबन का, स्वाभिमान का और सुरक्षा का। और इसी बात को कहते हुए हमारे बीच माननीय मंत्री जी पधारे, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपका हमारे बीच बैठना हमारे लिए और मैं कहना चाहूंगा आपके लिए भी और सरकार के लिए, देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ले जा सकता है। जैसा अश्विनी जी ने कहा, बात स्वावलंबन की है, बात सुरक्षा की है, बात स्वाभिमान की है। हम क्यों गुलामी करें, बात यह है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में गुलामी खत्म हो, उसकी आज ये शुरुआत है। मैं इस कंपनी से हूं तो एक बात मानी जाती है कि हम अपना प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक वो सुरक्षा की बात है, अपने इज्जत की बात है, उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर की कीमत है जीरो। आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कीजिए, यूज करिए और बल्ले बल्ले मुझे कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षिप्त में कि ऐसा नहीं कि यह सॉफ्टवेयर आज इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारे देश में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, DRDO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इस तरह के तमाम सरकारी संस्थान हैं जो केवल लिनक्स इस्तेमाल करते हैं और इसलिए करते हैं कि उनको पूर्ण सुरक्षा चाहिए। उनको किसी फीचर का कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं कि फ्री है तो चलो जी फालतू है, ये कमी होगी कोई बात नहीं, फ्री मिल रहा है गुजारा कर लेंगे, ना। दूसरे सिस्टम से ज्यादा इसमें चीजें, सिक्योरिटी
100%। जो रॉकेट नासा का स्पेस में जाता है, शटल जो वापस आता है, उस पे लिनक्स चलता है। अंतरिक्ष में जो एक स्टेशन बना हुआ है जहां ये सारे रॉकेट जाके पार्क करते हैं, वहां लिनक्स चलता है। तो कुछ तो होगा इसमें। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे 23 साल के साथी, मेरे बेटे समान, मेरी कंपनी के डायरेक्टर देवेंद्र राय को बुलाऊंगा कि वो मंत्री जी का फूलों से स्वागत करें। तब मैं आपको संक्षिप्त परिचय एक दे देता हूं इस चीज का। अश्विनी जी ने वैसे बता दिया कि कोई भी व्यक्ति जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो उसे जो आधारभूत सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं उनकी कीमत कंप्यूटर से ज्यादा होती है। आज आज आप एक अच्छा पीसी 25,000 से 35,000 का खरीद सकते हैं, ठीक है ना सर? लेकिन बेसिक सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस 41,000 का आता है। वायरस आना ही आना है, इसलिए 1,000 रुपए एंटीवायरस का जुड़ जाता है। उसके बावजूद वायरस आता है, पर वो 42,000 रुपए आपका खर्चा होता है। वो सारा खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जीरो कॉस्ट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उससे ज्यादा सुविधाएं पा सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। आपके सिस्टम से सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा, वायरस नहीं आएगा, चोरी नहीं होगा, ये आप निश्चित कर सकते हैं। संक्षिप्त में ये। अब इस सिस्टम को व्यापारी लोग, उद्योगपति इस्तेमाल करें, इसका सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसमें एक मिसिंग पॉइंट था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। तो हमने देश का ही नहीं, विश्व का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म पे चलता है, जिसका आज आपके कस्टमरों से उद्घाटन होगा, ताकि व्यापारी लोग, उनको चोरी ना करनी पड़े। उनके इस चोरी ना करने से देश को क्या फायदा है? चोरी करते थे तो टैक्स भी दे देते थे, सस्ता सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो टैक्स भी आएगा, समाज को भी फायदा होगा। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज होगी कि दिमाग से चोरी करने की आदत कम से कम कम तो हो जाएगी। तो इस पहल में हम आगे चले हैं। तो सर, मैं आपको निमंत्रण करूंगा कि आप अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश के युवाओं ने विशेष रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना एक रेपुटेशन निर्माण किया है। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, और आने वाले समय में अगर देश को प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न अगर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कोई है तो ज्ञान, विज्ञान और तंत्रविज्ञान, जिसको हम नॉलेज कहते हैं और जिसको एक बहुत बड़ी शक्ति और पावर के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उस नॉलेज का कन्वर्शन इंप्लीमेंट, ये देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही सबसे बड़ी विजन है। प्रधानमंत्री बार बार जो चार बातों का उपयोग करते हैं उसमें डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और उसके साथ ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, ये स्वाभाविक रूप में हमारे भविष्य की सोच है। आपको पता है, अभी जैसे इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने बेसिक सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं उनको रॉयल्टी के रूप में इतना पैसा मिलता है कि वो आज लोग दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बने हैं। बिल गेट मेरे घर पर आए थे, वो और उनकी पत्नी, एक डेढ़ घंटा बैठे। अब बिल गेट कोई काम नहीं करते, वो सामाजिक कार्य ही केवल करते।
क्योंकि उनको जो रॉयल्टी के रूप में जो पैसा मिलता है वो इतना है कि अब उनको कोई व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का बजट जितना होगा शायद उतना पैसा उनको मिलता होगा, इतनी उनकी आमदनी है। और ये जो कीमत है ये नॉलेज की कीमत है। और जिस प्रकार से हमारी हमारी खनिज संपत्ति है, पेट्रोल और क्रूड है, हमारी सुपीक जमीन है, पानी है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, ये जैसे हमारी संपदा है, वैसे ध्यान की भी संपदा जो है वो भी बहुत बड़ी है। मैं जब जर्मनी में था, जापान में था, तो मुझे जापान के बड़े उद्योगपति ने एक प्रश्न पूछा कि आपके हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स की जीन्स है। यही बात चाइना में भी मैंने देखी और दुनिया के किसी भी देश में जाए जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का चयन होता है तो उसमें कोई भारतीय नाम आता है तो उसका सिलेक्शन तुरंत किया जाता है। और मुझे लगता है ये देश की बहुत बड़ी ताकत है। देश के इकोनॉमी में आज तक जो हमारे इंजीनियर्स हैं, चाहे सिलिकॉन वैली में हो चाहे कहीं भी हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके देश में करोड़ों डॉलर कमाई करके देश में भेजे, जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत हुई। हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद हमारे सबके विचारों का आत्मा है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जो लोग देश में पढ़कर बाहर जाते हैं तो उनके बारे में एक समय ये रिएक्शन थी कि एक डॉक्टर तैयार करने के लिए हमने इतना पैसा खर्चा किया और डॉक्टर देश के बाहर चला गया, हमारे लोगों को कोई डॉक्टर नहीं मिला। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में ये बात हुई है कि देश के दुनिया के कोने कोने में जाकर उन्होंने अपने ज्ञान के कारण सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा काम किया है और देश को करोड़ रुपए डॉलर के रूप में अपने देश को फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश को मिला कर दिया है। मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, ये दोनों बातें देश के इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर देश की इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो दो बातें महत्वपूर्ण है कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। अब एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना होगा तो आज हमारे देश के इकोनॉमी में फॉरेन जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इसमें 350 बिलियन डॉलर की कमी है। और ये जो कमी है इसका कारण ये है कि हम 800,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल और गैस हम क्रूड ऑयल के रूप में आयात करते हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए का हम लोग एडिबल ऑयल खाद्य तेल आयात करते हैं, इतना ही नहीं तो 60 बिलियन डॉलर का हम कंप्यूटर हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं। और हमारे देश में आशिया में सबसे ज्यादा कोयला होने के बाद 20 बिलियन डॉलर का कोल हम इंपोर्ट करते हैं। और ये जो इंपोर्ट की जो इकोनॉमी है इन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर किया है। 47 में जो $1 1 रुपए के बराबरी में था वो $1.62 के बराबरी में। और इसलिए देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संघचालक सुदर्शन जी बार बार बायोफ्यूल की बात करते हैं और वो कहते थे कि देश का किसान पेट्रोल डीजल और गैस का ऑप्शन ढूंढ सकता है। मैं 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और अब मेरा विश्वास है कि हमारे देश में जो 800,000 करोड़ का इंपोर्ट है जो क्रूड ऑयल का है उसमें 30-40% गैस और कुछ क्रूड ऑयल हमारे देश में होता है, बाकी हमको सबको इंपोर्ट करना पड़ता है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये संभव है। बायोडीजल, इथेनॉल, बायोगैस और इलेक्ट्रिक पर कार चल सकती है। मैं आज एक प्रेजेंटेशन मैंने दिए और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में हमारे इंपोर्ट के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में हमारे
हमारे स्वदेशी के विचार के आधार पर ये बायोफ्यूल का विकास कैसे हो सकता है, और ये कठिन बात नहीं है। आज धीरे धीरे काफी परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी इसका जवाब है। हमारे नागपुर में हमने टॉयलेट का पानी जो था, जो गंदा पानी, वो 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब जब टॉयलेट का पानी बेचने की मैं बात कर रहा था, लोग मुझे हंस रहे थे। हमने उसको रिसाइकल करके महाराष्ट्र सरकार के बिजली कंपनी को बेच दिया और 18 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी मिलती है, ऐसा 10% पैसा भी मिलता है। अब बात हुई, देश भर में बड़ा लाभ हो गया। पर बीच में मैं स्वीडन में गया था, स्टॉकहोम में, और मैंने देखा कि वहां टॉयलेट के पानी से मीथेन निकाला गया और मीथेन से CO2 अलग करके उसमें बायो सीएनजी निकाला और उसमें 100 बसें चलती है। अब मैं ये सब प्रयोग करता हूं, मैं 20 लाख रुपए महीने का CO2 बेचता और 1,20,000 लीटर इथेनॉल बनाता, और हमने 100% इथेनॉल पर बस भी हमारे शहर में चलाते हैं। तो फिर मैंने मेयर को बुलाया कि अपनी गलती हो गई कि हमने पानी बेच दिया पर गैस चला गया। अब हम लोग गैस पे निकाल रहे हैं और जिससे बायो सीएनजी निकालेंगे मीथेन से और CO2 अलग करेंगे, तो नागपुर की 100 बसें अब बायो गैस पर चलेगी, जो एक इंपोर्ट होगी। मैं हल्दिया पोर्ट में गया था, वहां हमारे यहाँ 10 रिफाइनरी है और 1,00,000 करोड़ का हमारा देश में खाद्य तेल आया था। और जब मैं वहां गया तो मैं इसका जानकारी रखता हूँ, इसलिए मैंने तुरंत पूछा, उनको बुलाया कि आपका जो 5% रेसिड्यू निकलता है वो क्या करते हो, तो बोले हम लोग सावन वालों को बेच देते हैं। मैंने बोला ऐसा मत करे, इसका बायोडीजल बनेंगे। अब हल्दिया पोर्ट में बायोडीजल बनता है, इमामी नाम की कंपनी बनाती है, 46 रुपीज लीटर में मिलता है और उससे इंजन भी रेलवे में चल रही है, हमारे पोर्ट में ट्रक में चल रहा है और मशीनरी भी चल रही है। और मैं 15 दिन के बाद वहां जा रहा हूँ और उस पोर्ट को मैं ग्रीन पोर्ट करके जाहिर कर रहा हूँ, जो बायोडीजल पे चलता है। बायोडीजल और इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के डीजल में बहुत फर्क है। बायोडीजल में 95% इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दिल्ली में ये निर्णय लगा है, दिल्ली में, मैं दिल्ली को कम जाता हूँ, वजीरपुर करके कोई है, वहां सब्जी मंडी है, वहां की रोज की सड़ी हुई सब्जी बायोडाइजेस्टर में डाल दिया जाए और उससे अगर मीथेन मिला लेकर बायो सीएनजी तैयार किया जाए तो 1,000 बसें दिल्ली में चल सकती है। दिल्ली का जो गंदा पानी है, मैं यमुना पर काम कर रहा हूँ दिल्ली जल निगम के साथ, उस पानी से अगर बायो सीएनजी निकालेंगे तो और 1,000 बसें चल सकती, तो दिल्ली में कोई प्रदूषण नहीं होगा और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा। और दिस इज एग्जैक्टली द टेक्नोलॉजी, और इसलिए 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सॉफ्टवेयर में भी ये जो माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो कैलकुलेट बिजनेस डेस्कटॉप है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो इसका बेसिक है, जो इंडियन है और जो मेक इन इंडिया की बात है, इसके स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से इसका उपयोग अगर हम करेंगे तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपने सॉफ्टवेयर तो डेवलप किया है, पर ये जो $16 मिलियन का हार्डवेयर जो चाइना से इंपोर्ट होता है, उसके लिए भी सोचना होगा। मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को अक्सर ये कहता हूँ कि इस देश में क्या क्या इंपोर्ट होता है, उसका सब्स्टिट्यूट का क्या होगा, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए और ये होना संभव नहीं है, अभी नहीं है। अभी हमने चावार में एक पोर्ट बनाने का निर्णय किया है। मुंबई से दिल्ली के बीच में जितना डिस्टेंस है, उससे चावार से मुंद्रा और कांडला का डिस्टेंस कम है। चावार में पेट्रोल का दर है 80 पैसे लिखा है, हमारे 80 रुपए वहां 80 पैसे लिखा, बिजली भी सस्ती है। और 2013 में उन्होंने हमको केवल 82 सेंट्स में गैस ऑफर किया था, जो $9 का लेकर अभी फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो आने के बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि चावार में हमें फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगानी चाहिए यूरिया की, और मैं अपने डेलीगेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्टिलाइजर को लेकर गया था। अब मैंने वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात की, अब उन
उनके सैंक्शन उठने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि 2013 की बात मैं भूल जाऊं। मैंने वहां दो एक डॉलर कर दो, बोला 2.95 डॉलर से कम हम नहीं देंगे। तो भी हमारे देश में कभी हम नाफ्ता से इंडिया बनाते, 85,000 करोड़ की सब्सिडी देते और हमारे देश के किसानों को यूरिया भी नहीं मिलता। और इसलिए फिर मैंने उनको कहा कि आप रेट कम करिए, अब 2.95 डॉलर पर वो आए हैं। 2.95 डॉलर में भी गैस लेकर अगर हमने यूरिया बनाया तो यूरिया की कीमत आज जो है उससे 40% प्राइस पे यूरिया तैयार होता है और किसानों को 50% प्राइस कम करके हम आधे प्राइस पे यूरिया दे सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। हमारे देश में अनेक जगह पर पेट्रोल क्रूड ऑयल अवेलेबल है, मिजोरम में अवेलेबल है, अरुणाचल में अवेलेबल है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, हम निकाल नहीं पा रहे। हमारे देश में सब कुछ होने के बाद वी आर इन रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। द मेन रीजन इज रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के विचारों से प्रेरित होकर हम इस देश को सुखी समृद्ध और संपन्न बनाएंगे और भयमुक्त आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहला काम है मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हमको ढूंढना होगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढकर केवल हमारे इंपोर्ट को कम नहीं करना, तो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की हमारी ताकत है। लोग चाइना की बात करते हैं, पर मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर चाइना का जीडीपी जो है उससे ज्यादा जीडीपी हमारा होगा, इतना हम देश को ताकतवर बनाएंगे। आज हमारा जब सरकार आई थी तो 4.25% जीडीपी था, जो आज 7.5% हुआ है। और मैंने तो तय किया कि मेरी जो मिनिस्ट्री है रोड शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट की, तो कम से कम 2% जीडीपी 2 साल में देश में ऐड करना, इतना काम हम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी भी इसी सोच के साथ लगातार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर चीज होनी चाहिए। मैं कल कोचिन जा रहा हूँ और मैंने ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी को इंजीनियर्स को बुलाया और मैं ऐसा एक पानी पर चलने वाला हवाई जहाज तैयार करना चाहता हूँ जो पानी से 8 मीटर ऊपर चलता है, जिसमें 30, 50 और 90 लोग बैठ सकते हो, जुगाड़ेंगे इंडियन टेक्नोलॉजी की बात करें तो, और जो बहुत सस्ता है कैटरपिलर एयरक्राफ्ट 40-50 करोड़ की, ये तो 5 करोड़ का है। और यहाँ से पटना से कलकत्ता इसी चले जाएंगे पानी, तो ये कोशिश कर रहे। मैंने कोचिन शिपयार्ड को कहा कि आप बनाओ, तो बोले इसको अनुमति नहीं है। तो मैंने डायरेक्टर ऑफ शिपिंग को कहा कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइज करो तुरंत। उन्होंने वर्ल्ड के मैरिटाइम जो अथॉरिटी थे उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनकी परमिशन मिलाई, अब इन्होंने परमिशन दी और मैंने इसको बना के देखो, ये मेड इन इंडिया होना चाहिए। आज पानी के उतरने वाले हवाई जहाज हमने अनुमति दी है, अब एयरशिप की जरूरत नहीं है, अब पानी पर उतरने वाले हवाई जहाज हमारे देश में आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी एंड ज्ञान विज्ञान तत्व विज्ञान, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज ए नेशनलिस्ट विजन। देश को ताकतवर बनाने के लिए सबसे बड़ी विचार आ रहा है। मैं कैलकुलेट बिजनेस देशों को विशेष रूप से इनको अभिनंदन करूंगा कि जो इंडियन ऑप्शन उन्होंने उपलब्ध करा कर दिया है वो हमारे बिजनेस सेक्टर के लिए, बैंकिंग के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अब जो लैपटॉप के साथ जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आता है उसकी जरूरत नहीं है। अब ये सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम आगे जा सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। और सबसे आनंद का विषय कि हमारा भारतीय है, इंडियन है, और इसलिए ये जो रिसर्च करके ये जो काम किया है इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। पर एक बात मैं करूंगा कि अब सॉफ्टवेयर तो आपने किया है, बाहर जल्दी बैठे हैं, अब ये लैपटॉप और मोबाइल फोन के लिए भी ये जो इंपोर्ट होता है इसके बजाय ये भी इंडियन टैबलेट मिलने चाहिए, इंडियन होना चाहिए, इसके लिए भी आप इंडियन सॉफ्टवेयर एंड इंडियन लैपटॉप विद इंडियन टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, ये दोनों बातें शायद ऐसा हुआ भी होगा मुझे पता नहीं है, पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम लोगों से प्रार्थना करता हूँ
स्वदेशी के बारे में महात्मा गांधी जी ने बार बार कहा है। हमारे मन में ये गलत भावना है। बीच में विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का अध्यक्ष करके तैयार कर रहा था तो ये 5 लोग मेरे साथ अफ्रीका से एमबीए ग्रेजुएट काम करते थे, तो मैं रामदेव बाबा की वो जो दंत काम थी दंत काम क्या नाम तो स्पष्ट नहीं तो वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं प्रचार करता हूँ कि कोलगेट को यूज करो, ये यूज करो, अच्छा रियली बेस्ट है। तो जब मैंने उन फॉरेन अमेरिका से आए हुए भारतीय इंजीनियर्स को दिए तो जाते समय वो 25-25 ये लेके गए, वो टूथपेस्ट लेके साथ में गए। तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में, विज्ञान में, हमारे श्री श्री रविशंकर जी हो, रामदेव बाबा हो, जो हमारी बात है उसमें बहुत बड़ा धर्म है। और ये हिंदुस्तान में रहकर समझ में नहीं आता, जर्मनी में जाने के बाद हिंदुस्तानियों को मालूम है उतना संस्कृत उनको आता है, और आयुर्वेद के बारे में 10 बातें पूछते हमको पता नहीं है। हमको आयुर्वेद जड़ी बूटी है कुछ करके कोई कलकत्ता लगा के बारीक करा यही लगता है। पर जब लंदन में जाओगे, जर्मनी में हर गांव में जाओगे तो आयुर्वेद की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। अभी मैं ईरान में गया तो वहां के राष्ट्रपति के एडवाइजर कह रहे थे कि जो पर्शियन भाषा है वो संस्कृत से आई है। हमारे मन में संस्कृत के प्रति आदर नहीं, अगर यहाँ बोलो तो लोग बंद करो करके कह रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और अंग्रेजों के कार्यकाल में उन्होंने हमारी जो ताकत थी, जो शक्ति थी, जो इतिहास था, उसको उन्होंने समाप्त किया है। और विस्मृति के कारण हमारी विरासत को हम भूल गए हैं। इतिहास, विरासत, संस्कृति और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान दोनों का समन्वय करके ही भविष्य का हिंदुस्तान बन सकता है। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, क्षमता है, शक्ति है, हमको उस बात का एहसास नहीं है। और ये एहसास जो है, जैसे हनुमान को अपने शक्ति का एहसास देखना, वैसे हमारी स्थिति है। हम दुनिया में, विश्व में नंबर एक की ताकत बन सकते हैं। और ये सब हमारे पास सब कुछ है, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता। और आत्मविश्वास और अहंकार, ये दो शब्दों का अंतर बहुत कम है। हमने इगोइस्ट या अहंकारी नहीं होना चाहिए, पर आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। और इतिहास, विरासत, संस्कृति और मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति और मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति के आधार पर हमारी सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रवाद के विचार को लेकर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान नॉलेज एज ए पावर टेक्नोलॉजी उसका कन्वर्शन वेल्थ में करने की और एक तो पसेरी कहते कि यू कैन डोनेट आ मेडिकल और डोनेट विजन। आगे दान करना आसान है पर विकास की दृष्टि दान करना कठिन है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक हमारे भारतीयों ने बहुत हिम्मत करके ये विदेशी सॉफ्टवेयर को अल्टरनेटिव के रूप में एक बहुत अच्छा इंडियन अल्टरनेटिव प्रस्तुत किया है। भारत के लोग तो इसको स्वीकार करेंगे ही पर दुनिया में भी ये पॉपुलर होगा। इसलिए भारतीय के नाते मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, अगर मैं कवि होता तो आज बड़ी लंबी चौड़ी कविता बोलता आपकी बात पे, क्योंकि जितना आशीर्वाद आपने दिया और जितनी बात आपने बताई कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत सीरियस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो सरकार ने ओपन सोर्स पॉलिसी डिक्लेयर करी है उसके तहत अगर सरकार ये सॉफ्टवेयर आज से इस्तेमाल करती है तो 365 दिन में सरकार का 15,000 करोड़ रुपया बचेगा। हमें एक पैसा नहीं चाहिए, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। और बात केवल पैसा बचाने की नहीं, जब हम अपनी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसका सोर्स कोड देख पाते हैं तो हमारे जो बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं वो उस चीज को गहराई से समझ पाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का और उसके बाद हार्डवेयर का निर्माण होता है, क्योंकि हार्डवेयर के निर्माण में भी सॉफ्टवेयर जरूरी है, वो उसका बेस बनता है। अगर हम अपना बेस बनाएंगे तो हमारा देश, जो आप सपनों के देश की, कल के देश की बात कर रहे हैं, वो सच में बन सकता है। उसके लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। सर, मैं चाहूंगा कि फॉर्मली आप इस सॉफ्टवेयर का लोकार्पण भी करें।